अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर आप सभी भगवत प्रेमी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के साथ आध्यात्मिक चर्चा के इस नवीन अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज के अंक में हम गुरुजी से एक नए विषय पर बात करेंगे। गुरुजी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आइए विलम्ब न करते हुए गुरुजी के स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का विषय गुरुजी के समक्ष रखते हैं। गुरुजी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरि ओम। कार्यक्रम के लिए गुरुजी, आज का मेरा प्रश्न है कि हम अपने अंदर के अहंकार को कैसे पहचाने और उस अहंकार को मारने के लिए क्या उपाय हैं। आपसे अनुरोध है कि हम सभी के लिए इस महत्वपूर्ण विषय का उद्घाटन करें। आदरणीय गुरुजी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम। अनुराग जी, आपने आज जिस विषय की अवतारणा की है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अहंकार के बारे में जानेंगे। अहंकार का स्वरूप क्या है, ये कैसे पैदा होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या करता है, अहंकार कहाँ पाया जाता है, किसे नहीं होता और ये मरता कैसे है। अहंकार का स्वरूप है अहंकार की स्वीकृति। अहम शब्द ही इस बात को ध्वनित करता है, मैं हूं, मैं कुछ हूं। जब भी हम अपने को कुछ मान लेते हैं, अब देखो, या तो हम अपने को बड़ा मानेंगे या हम अपने को छोटा मानेंगे, ये दोनों तरह की बीमारियां हैं। अगर हम अपने को बड़ा मानेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आएगा, अपने को छोटा मानेंगे तो हमारे अंदर दीनता और हीनता की वृत्ति आएगी। ये दोनों हमारे व्यक्तित्व को विकृत करने वाली वस्तुएं हैं। जब तक जज अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है तब तक वो जज है। जब तक अध्यापक अपने कक्षा में अध्यापन कार्य कर रहा है तब तक वो अध्यापक है, और वहां से बाहर निकलने के बाद फिर वो एक सामान्य मनुष्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि मनुष्य जब तक अपने पद पर रहता है तब तक तो रहता ही है, जब पद छोड़ देता है तो भी अपने पद को अपने साथ जरूर जोड़े रहता है, और अपने नाम के आगे वो लिखता है भूतपूर्व। ये भूतपूर्व क्या है? भूतपूर्व का यहां अर्थ हुआ कि हम पहले थे कभी, अब हम वो तो नहीं है लेकिन उसका भूत अभी भी हमारे सर पर विराजमान है, उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। हमें उस रूप में नहीं तो कम से कम उस भूत के साथ जोड़ करके लोग देखें और हमारा सम्मान करें, यही तो भावना है इसके पीछे। अहंकार की स्वीकृति क्यों? अहंकार की स्वीकृति होती है सम्मान के लिए, लोग मुझे जानें और मेरा सम्मान करें। बस यहीं से सारे अनर्थों की परंपरा शुरू हो जाती है। जब हम अपने को पिता मानते हैं, हम अपने को पिता माने, पिता के दायित्व का पालन करें, यह तो ठीक है। लेकिन अपने को पिता मानते ही यदि हमारे मन में दूसरे से सेवा लेने का भाव आ गया तो दोष का आरंभ हो गया।
देखिए कोई गुरु है, ठीक है, तो उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है शिष्य का कल्याण करना। उसके साथ ही साथ होता क्या है? अगर उसके मन में यह भाव आ गया कि मैं गुरु हूं, मैं बड़ा हूं, तो लोगों को चाहिए कि वो मेरा सम्मान करें। यहीं से अनर्थ की परंपरा शुरू हो गई। किसी ने अपने को कोई पदाधिकारी है, ठीक है, तो किस लिए? लोगों की सेवा करने के लिए, अथवा इसलिए कि वह पदाधिकारी है तो लोग उसका सम्मान करें। यहीं से अनर्थ की परंपरा का आरंभ होता है। इस प्रकार से हम जब भी, संक्षेप में यही कह सकते हैं कि हम जब भी अपने को कुछ मान लेते हैं, वहीं हम अहंकार आकर के धीरे से हमारे मन के एक कोने में बैठ जाता है और हमें तरह तरह से कष्ट देने लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो इस दोष के द्वारा मारा न जाता हो। अगर हम अपने अहंकार को पहचान लेवें तो ये काफी कुछ कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मानसिक रोग है और ये जो मानसिक रोग हैं इनका इलाज थोड़ा ज्यादा कठिन है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे पहले आवश्यक है इन्हें पहचानना। पहचानने से क्या होता है? बोले जाने ते छीझ कछु पापी, यही सबसे बड़े पापी हैं। सो अगर इनका ज्ञान हो जाए तो ये कुछ छीण हो जाते हैं, और यदि हम इन पर ध्यान दें तो ये धीरे धीरे बहुत कम हो जाते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान ने जहां अपनी प्रकृति का वर्णन किया है वहां अहंकार को सबसे अंत में बताया है। पृथ्वी, पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु और वायु का कारण आकाश, आकाश से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म जो होता है वो अहंकार होता है। सो यह जो अहंकार है यह बुद्धि और आत्मा के बीच में निवास करता है। इसी कारण से हम अपने स्वरूप को भूले रहते हैं। अहम शब्द का अर्थ ही होता है मैं। यह जो अहंकार है यही आकर के बुद्धि और आत्मा के बीच में पड़ जाता है। सो हम इसी को अपना स्वरूप समझ लेते हैं, जबकि वस्तुतः हमारा जो अपना स्वरूप है उसकी अनुभूति तो होती है, लेकिन उसे हम किसी शब्द के द्वारा या किसी बोध के द्वारा नहीं समझ सकते। हम भ्रम के कारण अहंकार को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। सो सबसे पहला प्रश्न होता है कि ये अहंकार कितने प्रकार का होता है। भगवद गीता में और शास्त्रों में बताया गया कि अहंकार तीन प्रकार का होता है। देखिए इसका स्वरूप केवल इतना है कि अपने को कुछ समझ लेना। अगर कोई ये पूछे कि अहंकार का स्वरूप क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने को कुछ भी समझ लें, कुछ भी मान लें, तो बस वहीं से अहंकार शुरू हो जाता है। तो क्या हम कुछ नहीं हैं? नहीं, हम हैं तो, लेकिन हम हैं तो विराट, हम हैं तो आत्म तत्व, हम हैं तो परमात्मा के अंश, लेकिन जब हम संसार की किसी वस्तु से अपने को जोड़ लेते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं। जैसे मनुष्य जब किसी व्यक्ति से अपने को जोड़ लेता है तो उस व्यक्ति से उसका एक संबंध बन जाता है। उस संबंध के कारण वह जो विराट था वह सीमित हो जाता है। और किस किस से ये मनुष्य अपने को जोड़ता है, ये वस्तुओं के आधार पर इस अहंकार के तीन भेद हो जाते हैं, एक सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस।
बड़ी विचित्र बात तो ये है, ये जो तामस अहंकार है जो सबसे समाज के बुरे लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। रावण में तमोगुणी अहंकार था, इसलिए हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा त्यागौ तम अभिमान। रावण से रजोगुणी अहंकार छोड़ने के लिए नहीं कहा, उन्होंने सात्विक अहंकार भी छोड़ने के लिए नहीं कहा। त्यागौ तम अभिमान, तम अभिमान माने, अरे भाई तुम जानते हो कि तुमने सीता का हरण किया है और इतना बड़ा दोष करके, इतना बड़ा पाप करके भी तुम राज सिंहासन पर बैठे हुए हो। तुम अपने को धार्मिक समझ रहे हो, तुम अपने को महान समझ रहे हो, तो अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करे और फिर भी अपने को गौरवान्वित अनुभव करे, ऐसे व्यक्ति में तमोगुणी अहंकार पाया जाता है। जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं को अपना समझता है उसमें राजसिक अहंकार पाया जाता है, लेकिन एक सात्विक अहंकार भी होता है। यह सात्विक अहंकार उन लोगों में पाया जाता है जो सद्गुणी होते हैं, जो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, जो अच्छे काम करने वाले होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को अपनी विद्वत्ता पर अहंकार होता है, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसे धन पर अहंकार होता है, लेकिन जो सात्विक व्यक्ति है उस सात्विक व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर अहंकार होता है, अपने मन पर अहंकार होता है, अपने शुभ कर्मों पर अहंकार होता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो अहंकार तो अच्छे लोगों में ही पाया जाता है। कभी भी कोई पापी व्यक्ति पाप कर्म करके अहंकार को थोड़ी पाल सकता है कि मैंने अमुक पाप किया, मैं भ्रष्टाचार करने वाला हूं, मैं चोरी करने वाला हूं, मैं व्यभिचार करने वाला हूं। संसार में इस प्रकार का अहंकार तो होता नहीं है। तो अहंकार किसे होता है? अहंकार होता है गुणी व्यक्ति को, अहंकार होता है अच्छे व्यक्ति को। सो अहंकार होता है अच्छाइयों के कारण। देखो समाज में जो दूसरे दोष हैं, जब ब्रह्मा जी ने इस समाज को बनाया, इस संसार को बनाया, तो संसार में जितने गुण बनाए उतने ही दोष बनाए, और एक एक दोष को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने एक एक गुण को बनाया। सो जितने संसार में दोष हैं उतने ही गुण हैं। जैसे कोई अगर ये कहे कि मुझे क्रोध बहुत आता है, तो उससे कहा जा सकता है कि भाई तुम क्षमा करना सीख लो, तुम्हें जिस पर क्रोध आवे उसी को क्षमा कर दो, क्रोध समाप्त हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मेरे अंदर लोभ बहुत है, तो उससे कहा जा सकता है कि भाई तुम दान देना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा लोभ कम हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि दान देने से लोभ तो कम हो जाएगा, लेकिन लोभ से भी बड़ा जो एक दोष है वो पैदा हो जाएगा, और वो दोष कौन सा है? उसी का नाम है अहंकार। क्रोधी व्यक्ति अगर क्षमा करना शुरू कर देता है तो उसका क्रोध तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत क्षमावान हूं, ये अहंकार पैदा हो जाएगा। क्योंकि अहंकार दोषों के प्रति नहीं होता, अहंकार गुणों के प्रति होता है। देखो गुणों से उत्पन्न होता है, और है कौन? है सबसे बड़ा दोष। यही अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता है, और यही अहंकार की अपनी मौलिकता है, यही अहंकार का वैशिष्ट्य है। सो क्योंकि यह गुणों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें सबसे बड़ा दोष एक और पाया जाता है। मनुष्य अपने अहंकार की रक्षा करता है, इसने इतने प्रच्छन्न रूप बना रखे हैं। जैसे आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि भाई मेरी भी तो एक आइडेंटिटी है, मेरी भी तो अस्मिता है, मैं भी तो कुछ हूं,
मेरे सम्मान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सब क्या है? ये अहंकार के प्रच्छन्न रूप हैं। अहंकार ही विविध रूप धारण करके हमें रोज मारने का प्रयास करता है। सो ये अहंकार अच्छे लोगों में पाया जाता है। किसी भी गुण में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो इस अहंकार को नष्ट कर सके। मनुष्य अहंकार की रक्षा करता है। और जानते हैं अहंकार किससे पैदा होता है? देखो, ये आदि में नहीं होता, अंत में भी नहीं होता, यह बीच में मिली हुई वस्तुओं के कारण ही पैदा होता है। जब हम छोटे थे, एकदम छोटे, संसार का ज्ञान नहीं था, तो हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं था। छोटे बालक में अहंकार नहीं होता। छोटे बालक को कोई एक तमाचा लगावे और बाद में खाने के लिए लड्डू देवे तो वो बालक प्रेम से ले लेता है और तमाचे को भूल जाता है। तो छोटे बालक में अहंकार नहीं होता। और जो मनुष्य मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, जिसके बारे में डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि बस अब कुछ ही दिन शेष हैं, उस व्यक्ति में भी कोई अहंकार नहीं होता। यह अहंकार बीच में मिली हुई वस्तुओं के कारण ही होता है। जैसे जैसे थोड़ी सी बुद्धि विकसित होती है मनुष्य की, उसे बुद्धि का अहंकार होता है। उसे जब पता चलता है ये वस्तुएं मेरी हैं, इतना धन मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह जमीन मेरी है, यह दुकान मेरी है, इन वस्तुओं का अहंकार होता है। सो किन वस्तुओं का होता है? जो उसकी अपनी नहीं है, जो उसे मिली हुई है, उन वस्तुओं के प्रति उसे अहंकार होता है। सो यह बीच में मिला हुआ है तो इसे बीच में ही मारना पड़ेगा। अगर इसे बीच में नहीं मारा गया तो इस अहंकार के कारण ही फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु के पहले इस अहंकार को मारने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सो इसे कौन मार सकता है? मनुष्य में या किसी भी सद्गुण में वह सामर्थ्य नहीं है कि वो अहंकार का विनाश कर सके। देखो, दोषों का विनाश होता है सद्गुणों के द्वारा, दोषों का विनाश होता है गुणों के द्वारा, और गुणों में पाया जाता है अहंकार। तो इस अहंकार का विनाश किससे होगा? इस अहंकार का विनाश केवल वह कर सकता है जिससे हमें गुण प्राप्त होते हैं, और गुण प्राप्त होते हैं भगवान से, क्योंकि गुणों के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है सत। तब गुण बनते हैं सद्गुण, और सत शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। क्योंकि इस संसार में जितने गुण हैं वे सारे के सारे गुण कहां से आए? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जित में हुआ तत्तदेवावगच्छत्वम मम त्रिजोंस संभवम। इस संसार में जहां कहीं कुछ विशेषता है, कुछ अच्छाई है, कुछ वैशिष्ट है, वह मेरा अंश है। सो ये गुण किसके अंश हैं? ये परमात्मा के अंश हैं, ये भगवान से आए हुए हैं। जीव जब परमात्मा में से जुड़ जाता है तो परमात्मा के गुण उस जीव में उतरने लगते हैं। जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ता तब तक वो कितना भी प्रयास कर ले, बिना भगवान के अगर वो गुणों से जुड़ेगा तो उसके गुण जीवन में गुण तो आते हैं, साथ ही साथ गुणों का अहंकार भी आता है, और अहंकार उसके सारे के सारे गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए श्री भरत जी की जब प्रशंसा होती है प्रयागराज में,
और कोई ये कहता है उनसे कि भैया प्रशंसा तो आपकी हो रही है, तो भरत जी कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी नहीं हो रही है, तो किसकी हो रही है? प्रमुदित तीर्थ राज निवासी वही खानस वट जति उदासी कहीं परस्पर मिल दस पांचा। देखो ब्रह्मचारी ग्रस्त वनप्रस्थ और सन्यासी सब प्रशंसा कर रहे हैं श्री भरत जी की, और प्रशंसा भरत जी को क्या सुनाई दे रही है? कहां ही परस्पर मिल दस पांचा भरत स्वभावशील सुचि सांचा, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। प्रशंसा हो रही है भरत जी की और उन्हें सुनाई दे रही है राम जी की। तो राम जी की क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं श्री राम जी को मनाने जा रहा हूं, इसलिए प्रशंसा हो रही है। अगर मैं राम जी के पास न जा रहा होता, अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाता, तो यही लोग आज जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं मेरी निंदा कर रहे होते। सो यह जो प्रशंसा है, यह प्रशंसा किसकी होती है? यह जो गुण है, यह गुण किसके हैं? जिसके गुण है उसी की प्रशंसा है। मनुष्य उन्हें जब अपना समझ लेता है, देखो दूसरे की दी हुई वस्तु का उपयोग तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसे अपना समझना यह तो चोरी है, यह तो अच्छी बात नहीं है। भगवान ने हमें जो दिया है, हमें अगर धन दिया है परमात्मा ने, तो उस धन का उपयोग करना तो ठीक है, लेकिन अपने को धनवान समझ लेना ये गलत है। उसके साथ अपनी बुद्धि को जोड़ लेना ये ठीक नहीं है। अपने मन को और अपनी बुद्धि को उस दाता के प्रति कृतज्ञता के साथ जोड़ लेना चाहिए जिसने हमें दिया है। वह परमात्मा किसी को धन देता है, किसी को बल देता है, किसी को विद्या देता है, किसी को ज्ञान देता है, किसी को दान देने की सामर्थ्य देता है। शास्त्र में एक ऋषि कहता है, वाह प्रभु, आप एक ओर तो मनुष्य को धन देते हैं, दूसरी ओर उसमें सात्विक बुद्धि भी देते हैं और साथ ही साथ उस धन का दान करने की प्रवृत्ति भी देते हैं। सो प्रभु करते तो सब आप हो, मनुष्य तो केवल उसका निमित्त मात्र है। और वस्तुतः वास्तविकता भी यही है, सच भी यही है कि भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, मनुष्य उसका केवल अपने को निमित्त समझे, उसका अपने को कारण न समझे तो अहंकार नहीं होगा। यही कारण है कि अहंकार को मारने का मनुष्य कितना भी प्रयास करे वो नहीं मरेगा। अहंकार अगर मरता है तो केवल उसे भगवान ही मार सकते हैं, और भगवान मार सकते हैं इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का मन और उसकी बुद्धि जब परमात्मा से जुड़ जाती है। अगर किसी को धन का अहंकार हो तो उसे भगवान की ओर देखना चाहिए, जिसके चरणों में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है। सो ऐसे भगवान से ज्यादा धनी कोई हो सकता है क्या? किसी को बल का अहंकार हो, रावण ने तो हनुमान जी से यही कह दिया कि तूने किसके बल, कही के बल घाले से वन खीसा, तो उसने किसके बल से अशोक पाटिका को उजाड़ा? तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? बोले रावण तेरे पास और मेरे पास कोई अलग अलग बल थोड़ी है। जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झारी, जिसके बल से तूने सारे संसार को जीत लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूं, सो मेरे पास भी उन्हीं का बल है। यहां हनुमान जी महाराज का व्यंग्य था रावण पर कि रावण तेरे को कृतज्ञ होना चाहिए प्रभु का, लेकिन तू कितना कृतज्ञ है कि जिसके बल से तूने सारे संसार को जीता, तूने उन्हीं प्रभु की पत्नी का अपहरण कर लिया। और इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झार,
तासुदूत में जाकर हरि आने प्रिय नार। रावण, इससे अधिक कृतज्ञता और कोई हो सकती है क्या? सो वास्तविकता तो यह है, देखो अगर रामचरित मानस की दृष्टि से हम देखें तो रामचरित मानस में तीन पात्र हैं। सात्विक अहंकार है श्री परशुराम जी महाराज के पास, राजस अहंकार है बाली के पास, और तामस अहंकार का प्रतीक है रावण। सो तीनों के साथ प्रभु ने अलग अलग व्यवहार किया। जो सात्विक अहंकार है वह तो बातचीत से ही खत्म हो जाता है, इसलिए परशुराम जी युद्ध के लिए बोलते रहे, लेकिन राम जी ने परशुराम जी से युद्ध नहीं किया। परशुराम जी ने तो यहां तक कह दिया कि तू मेरे से डरता है क्या? राम जी ने कहा, महाराज कहो स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालव डर ही नरन रघुवंशी। हम डरते तो काल से भी नहीं है, अब काल से नहीं डरते तो फिर मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते? प्रभु ने हंसते हुए कहा, महाराज काल से नहीं डरते लेकिन आपसे डरते हैं। यह सात्विक अहंकार है जो काल से नहीं डरता, वो परशुराम जी को वार्तालाप से, केवल बातचीत से समझा करके, बता करके कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती है, आपके पास शक्ति थी तो आपको लोक कल्याण के कार्य में लगाना चाहिए था उसे। और परशुराम जी महाराज अपने दोषों को समझते हैं और समझने के बाद क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, वे श्री राम जी से तो क्षमा मांगते हैं या लक्ष्मण से भी क्षमा मांगते हैं। सात्विक अहंकार का विगलन वार्तालाप से हो जाता है, क्योंकि सात्विक अहंकारी व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होती है, सो उससे बात की जा सकती है, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति पर तो थोड़ा सा कठोर प्रहार करना पड़ता है। इसलिए राम जी बाली के ऊपर प्रहार करते हैं, और जब बाली के ऊपर प्रहार करते हैं, अब जरा विचार करो कि भगवान बाण मारे और व्यक्ति मरे ना। परा विकलम ही सर के लागे पुण्य उठ बैठ, राम जी ने बाण मारा, बाली जमीन पर गिरा और उठ करके बैठ गया, और बैठ करके फिर बात करने लगा। परा विकलम ही सर के लागे पुण्य उठ बैठ, देख प्रभु आगे श्याम गात सिर जटा बनाए, और बातचीत करता है। और उसी वार्तालाप में बाली ने कुछ ऐसा कह दिया कि राम जी प्रसन्न हो गए, बोले अचल करो तन राखो प्राणा, मुझे तो तेरे अहंकार को मारना था। यहां प्रभु का संकेत क्या है? बाली तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारे अहंकार को मारना चाहता था, और अब जब तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया है तो अब तुम्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही श्री राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो रावण कभी समर्पण नहीं करता। ये जो तामसिक अहंकार है, तमोगुणी अहंकार की विशेषता ही ये होती है कि वो पहले से ही निर्णय कर लेता है। रावण का शरीर तमोगुण प्रधान है, सो उसने पहले ही निश्चय कर रखा है। क्या निश्चय कर रखा है? यह निश्चय किया है कि होई ही भजन न तामस देहा। अब शरीर इतना तमोगुणी हो गया है कि इस तामसिक शरीर से भजन नहीं हो सकता। अब जिसने पहले ही निश्चय कर लिया हो कि मुझे भजन तो करना नहीं है, उसका कल्याण कैसे हो? यही तो प्रभु की उदारता है कि श्री राम जी ऐसे घोर तमोगुणी जो रावण है, क्योंकि उसने भी पूर्व पूर्व जन्मों में सत्कर्म किए, उन सत्कर्मों के कारण रावण का भी प्रभु को उद्धार करना है। सो ऐसे रावण पर भी बाण का प्रहार करते हैं और उसका भी उद्धार करते हैं। सो अहंकार चाहे सात्विक होवे, चाहे रजोगुणी होवे, और चाहे तमोगुणी होवे, अहंकार जहां कहीं भी है, अगर वह मरेगा तो केवल और केवल भगवान की भक्ति करने से मरेगा।
भगवान के नाम का जप करने से मरेगा, उसे मारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरि ओम।